सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे, देश को मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम का नाम है क्या कहते हैं आपकी तारीख। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 9 ग्रहों को, अगर उनमें से कोई सा भी ग्रह अगर आप मजबूत करते हैं तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी आपके लिए सूर्य के लिए। सूर्य जो है, अगर आप उसको मजबूत करेंगे तो वो आपको ज्यादा भी सूर्य की पावर को बढ़ा लेंगे तो वो आपको अहंकार दे सकता है, मान सम्मान तो देगा ही, सरकारी कामों में आपकी मदद भी करेगा। अगर सूर्य मजबूत होता है तो ऐसे इंसान के माथे पर तेज भी होगा। तो सूर्य को मजबूत करना आप लोगों के लिए बहुत बहुत जो है वो जरूरी है। अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो दालचीनी वाले पानी में थोड़ी सी दालचीनी डालकर रात को भिगो कर रखें और उस पानी से आपको सुबह नहाना चाहिए, इससे आपके सूर्य को मजबूती मिलेगी। चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, हमारे मस्तिष्क का कारक है, आपके माइंड को कंट्रोल करता है, तो अगर आप चंद्रमा को मजबूत करते हैं तो आपका मन जो है वो स्थिर रहता है, सोचने समझने की शक्ति आती है, सुकून आता है, जिंदगी में आराम मिलता है और आपको सुख चैन की नींद आती है। आपके पास जितना भी पैसा है उसमें आप संतुष्ट होते हैं। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको जब भी आप नहाते हैं तो नहाने वाले पानी में थोड़ा सा दूध डालकर नहाएंगे या गंगा जल डाल के नहाएंगे तो आपका चंद्रमा जो है वो मजबूत होता चला जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी जो है खराब हो रहा है, अगर मंगल को आप मजबूत करते हैं तो उससे क्या फायदा होगा। मंगल देता है आपको पुरुषत्व और गुस्सा देता है, खून में गर्मी देता है, चेहरे पर लालगी अगर किसी की होती है तो वो मंगल के कारण ही होती है और आकर्षक शरीर भी आपको मंगल देता है। जो लोग भी बहुत जल्दी जो लोग एक्सरसाइज करने के शौकीन होते हैं उनका मंगल जो है वो जाने अनजाने में अपने मंगल को ठीक कर रहे होते हैं। तो मंगल आपका इस प्रकार से ठीक हो जाता है। अगर मंगल को आप ठीक करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो दो से तीन पत्ते नीम के आप जो है पानी में उबाल कर उससे अगर नहाना शुरू करते हैं तो आपका मंगल जो है आपको रातों रात आपको चमका देता है। मंगल आपके जीवन में आलस्य को खत्म करता है, राहु की सारी नेगेटिविटी को खत्म करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो है अगर आप उसकी पावर को बढ़ाते हैं तो संपन्न करता है, आपको कुटुंब देता है, बड़ा बड़ा मकान, बड़ा घर, हर चीज को विस्तार करना बृहस्पति का काम है। संतान देना, संतान को अच्छी संतान देना, ये भी बृहस्पति का काम है। साथ ही साथ में ज्ञान देना, सुकून देना, चैन देना, विपरीत परिस्थितियों में आपको बढ़ने की ताकत देना, ये भी बृहस्पति का ही जो है वो काम है। बृहस्पति को अगर आप मजबूत करते हैं तो बृहस्पति क्या करेगा, अगर आप बृहस्पति को मजबूत करेंगे तो आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। और बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आप थोड़ी सी हल्दी और दूध आप जो है पानी में जल में डालकर नहाने से आपका बृहस्पति जो है वो मजबूत होता चला जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं बुध की। तो बुध को अगर आप मजबूत करते हैं तो बुध आपकी बिजनेस को बढ़ाता है, बुध आपकी चंचलता आपको देता है, तेज दिमाग देता है, शानदार वाक पटुता आपको देता है और हमेशा आपको जवान दिखेगा। ऐसे लोग जो बड़ी उम्र होने के बावजूद भी जवान दिखते हैं उनका बुध जो है वो अच्छा उनको फल दे रहा होता है। तो जवानी का कारक जो है बुध और बुध जो है युवराज भी है तो आपको हमेशा जवान बनाए रखेगा। इस बुध को ठीक करने के लिए तुलसी के पत्ते आप अगर जल में डालकर जो है नहाते हैं, रात को भिगो कर रख दीजिए और उसे जल से सुबह स्नान कर लीजिए, आपका दिमाग तेज होगा, आपके अंदर जो है वाक्पटुता आएगी और आप जो है बिजनेस में भी अच्छे होते चले जाएंगे, नौकरी में भी अच्छे होते चले जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं शुक्र की। तो शुक्र आपको जो है धन वैभव देता है, ऐशो आराम देता है, सुंदरता देता है, आकर्षण देता है। अगर आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है थोड़ा सा कपूर लेना है, कपूर को थोड़ा सा पीस लेना, थोड़ा सा पाउडर सा कपूर का थोड़ा सा, या फिर कोई ऐसा इत्र जो है आप जो है उसे जो है पानी में डालकर, गुलाब जल को पानी में डालकर भी आप जो है नहा सकते हैं, उससे आपके शरीर में हल्की हल्की सी महक जो है वो बढ़ती रहेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं शनि को। शनि को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, शनि को मजबूत करने के लिए आपको शनि जो है आपको क्या देगा, पहले शनि जो है आपको अनुशासित करता है, यानी कि अनुशासन सिखाता है, समय से पहले जिम्मेदारी उठाना सिखा देता है, काम में देरी कर देता है, शनि का खराब होता है तो आपका 3 दिन का काम आपका 13 दिन में करवाता है, बेहद संघर्ष के बाद आपको इनाम देता है शनि, यानी कि पहले आपका संघर्षपूर्ण जीवन देता है उसके बाद आपको खूब इनाम देता है शनि और गिन गिन के इनाम देता है शनि। तो जैसे जैसे कई लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं और वो उनको राहु देता है,
और जो जिन लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि वो करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं सालों से कमाए जा रहे हैं, तो वो सब शनि की ही देन होती है। तो ऐसे शनि को अनुशासित जो आपको शनि बनाएगा और आपको जिम्मेदारी लेने के लिए आपको जो है प्रोत्साहित करेगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको सरसों के तेल की मालिश करने के बाद आपको जो है नहाना चाहिए, या किसी भी, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप जो फिगैरो के तेल होता है, जो बड़ा अच्छा तेल कहा गया है, महंगा तेल होता है फिगैरो का, उसे जो है नहा, उसे मालिश करके अपने शरीर बॉडी पे मालिश करके उससे नहाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं राहु की। राहु आपको तीक्ष्ण बुद्धि देगा, छल कपट देता है, अचानक आपको बढ़िया धन दे देता है, अचानक आपको उठाकर पटक देता है, ये राहु की करतूत होती है। मतलब अचानक से आपको इतना बढ़िया कर देगा, अचानक से आपको जो है उठा पटक कर देगा आपके जीवन में। तो आपको लगता है कि अभी तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, एकदम से पुलिस आई और पकड़ के ले गई, तो ये सब चीजें जो है वो राहु करता है, क्योंकि राहु जो है क्षण क्षण में बदलता है। तो आपकी तीक्ष्ण बुद्धि अगर आप अपनी बढ़ाना चाहते हैं, छल कपट से बचना चाहते हैं और साथ में जो है अचानक बढ़िया बढ़िया धन चाहते हैं, तो राहु के लिए आपको क्या करना चाहिए, तेज पत्ता जो है आपको, या फिर आप लौंग को अपने पानी में जो है रात को भिगो कर रखिए और उसे जो है सुबह स्नान कीजिए, आपका राहु जो है आपको मजबूती देना शुरू कर देगा, राहु से आपको जो है प्रॉब्लम जो भी थी आपकी वो हटनी शुरू हो जाएगी। चलिए लास्ट बात कर लेते हैं, आखिरी जो है हमारा ग्रह है वो है केतु। केतु आपके जीवन में वैराग्य देता है, केतु आपको अकेलापन देता है, भक्ति के मार्ग पर ले जाता है, गुण ज्ञान भी देता है केतु। तो केतु को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, केतु को ठीक करने के लिए आपको, केतु हमेशा किससे डरता है, केतु डरता है चंद्रमा से। केतु जो है किसकी बात मानता है, राहु और केतु किसकी बात मानते हैं, चंद्रमा की। तो अगर आप अपने केतु को ठीक करना चाहते हैं तो गंगा जल से स्नान कीजिए, या फिर गोमूत्र थोड़ा सा पानी में डालकर, गंगा जल या गोमूत्र दोनों में से एक चीज ये पानी में डालकर अगर आप स्नान करेंगे तो आपके राहु केतु और शुक्र दोनों ही ठीक हो जाएंगे। तो दर्शकों ये था कौन से ग्रहों की पावर बढ़ाने से क्या होता है, और अगर कोई ग्रह आपका नेगेटिव हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए आप इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं, और ये स्नान का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, इससे आपके जीवन में तरक्की, सुख शांति और समृद्धि आती है। तो दर्शकों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और हमसे रात को 10 बजे चैनल पे हमसे जरूर मिलिएगा फ्री कुंडली एनालाइजेशन में, जहां पर हम आपकी कुंडली का फ्री एनालाइजेशन करते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी, राधे राधे।